और प्रशासन ने किया 50 ओवरलोड ट्रक सीज बांदा। खदानों की ओटीपी बंद होने के बावजूद बालू का अवैध खनन लगातार हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भूरागढ़ में चेकिंग अभियान चलाया, जहां मध्य प्रदेश के घाटों एसआई बिना रवाना आ रहे 50 ओवरलोड ट्रकों को सीज कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक लालव्रत कुमार पाल और एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ भूरागढ़ पुलिस चौकी के निकट ओवरलोड व अवैध खनन को लेकर चेक किप किया। इस दौरान सीमा एसआई सटे मध्य प्रदेश की मोरंग खदानों एसआई 150 एसआई 200 ट्रक बिना रवाना बालू लाद कर बांदा की सीमा भूरागढ़ एसआई गुजर रहे था। चेक किप के दौरान टीम ने 50 ट्रकों को पकड़ लिया। अन्य 100 एसआई अधिक ट्रक वापस मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर छिप गए। इस तरह एसआई पुलिस और प्रशासन ने बागी कार्यवाही करते हुए ट्रकों को सीज किया। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। एमपी की तरफ से यूपी में 150-200 गाड़ियां अवैध ढंग से आ रही थी, क्या सूचना मिली थी, किस रेट मारी गई यहाँ पे? देखिए, हमें सूचना थी कि लगभग 150 के आसपास अवैध रूप से बिना रवन्ने की मोरम की गाड़ियां एमपी की तरफ से भर के आ रही हैं अवैध रूप से। इस पर हमारे अपर जिलाधिकारी और मेरे द्वारा, हमारे क्षेत्राधिकारी सदर और बाकी क्षेत्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारा गया, जिसमें 50 के आसपास यहां गाड़ियां सीमा के इस तरफ हमें मिल पाई। शेष लगभग 100 से ऊपर गाड़ियां भाग गई हैं एमपी की तरफ और हम लोग इन पे अब आगे कार्रवाई करेंगे। उनकी निगरानी के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया? जी, इनकी निगरानी के लिए हम लोग लगातार यहां फोर्स लगाए हुए हैं और जैसे ही ये लोग सीमा क्रॉस करके यहां पे आते हैं तो इसकी प्रॉपर चेकिंग और अगर अवैध पाई जाती है तो इस पे पूरी कार्रवाई की जाएगी।